लहरों से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। सुबह के वही 8:30-9 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करने आए हैं रोहिणी में, इस वक्त सेक्टर 13 में स्वास्तिक कुंजी अपार्टमेंट है। दिल्ली के नंबर 1 MLA हैं ये, मोहिंद्र गोयल जी। इनके साथ आज मॉर्निंग वॉक करेंगे और पूछेंगे इनसे क्या रूटीन है, कैसा चल रहा है सब। आओ, आने वाले हैं MLA साहब। आ गए, नमस्कार। नमस्कार। मास्क पहन लेता हूँ सर, मैं भी चलो कौन उतार लगता है सर, हम मास्क उतार सकते हैं। तो दिल्ली में रोहिणी जगह है एक, उसमें हम स्वास्तिक कुंज मौजूद हैं और हमारे रिठाला विधानसभा, रिठाला विधानसभा से MLA मोहिंद्र गोयल साहब मौजूद हैं। इनके साथ आज मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। भगवान सूर्य नारायण अपने उद्गार पर हैं, सर ने नमन किया भगवान को। सर आपका डेली रूटीन है, आप डेली नमस्कार करते हैं सर को? हाँ, मेरा डेली का रूटीन है। मैं जब भी, खास वजह है क्या इसके पीछे? नहीं, देखिए, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है हमारे जी, और इन्हीं से सभी को ऊर्जा मिलती है। और मैं जब भी बाहर निकलता हूँ और सूर्य देवता के दर्शन करता हूँ तो इनको नमस्कार करता हूँ और इनसे यही प्रार्थना किया करता हूँ कि हमें भी ऊर्जा दे और सभी लोगों को ऊर्जा दे, जिससे कि सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, कल्याणकारी आप प्रार्थना भी। हाँ जी। तो मॉर्निंग वॉक का क्या रहता है सर, डेली आते हैं? हाँ, मैं डेली, सर्दियों में भी गर्मियों में, 45 मिनट्स के लिए कम से कम वो करता हूँ। और सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आप सब भी मॉर्निंग वॉक जरूर करें, अपनी ज़िंदगी से जैसे भी जितना भी टाइम होता है वो आप ज़रूर निकाल लें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात कही है सर ने भाई, मॉर्निंग वॉक किया कीजिए आप सारे लोग। मैं सर आपके पास तब आया था पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे दिल्ली में, और मुझे याद है मैंने आपको शुभकामनाएं दी थी कि सर चुनाव में मैं चाहूँगा कि आप विजयी रहें। थैंक यू। और आप ऐसा हुआ भी, तो मेरी वाणी जो थी वो खल गई, हालांकि पत्रकार होने के नाते मुझे अलाउड नहीं है ये चीज़ कहना। लेकिन सर मेरा आपसे बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। मैं जैसे आपको बताऊं तो 2014 से आप विधानसभा में मतलब MLA रहे हैं, और मैं पढ़ा करता था रोहिणी में प्रतिभा सेक्टर 11 में, मैं स्टूडेंट हुआ करता था और तब आप वहाँ पे आते थे, तब मैं वहाँ पर पढ़ते थे और आप आते थे, और एक कविता आपकी हुआ करती थी जो आप सुनाते थे सर। मैं चाहूँगा उससे आज शुरुआत हो जाए सर इस इंटरव्यू के लिए, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा मोटिवेशन। वो मेरी जो कविता है बहुत फेवरेट कविता है, लहरों से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरी बहुत फेवरेट कविता है, इसमें ज़िंदगी के बहुत से मायने हैं। डर कर आप कभी भी ज़िंदगी को जी नहीं सकते, आपको डर को एक तरफ रखना पड़ेगा। डरना है तो आप बुरे कामों से डरो, परमात्मा से डरो, किसी व्यक्ति विशेष से आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अच्छे काम करते रहें, अच्छी राह, बिल्कुल अच्छे काम करते रहना चाहिए, प्रभु आपका हमेशा साथ देगा। इसमें सर एक दिक्कत है कि पॉलिटिक्स में ना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि अच्छे काम कर सकते हैं सब लोग रहे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों के इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। लोग अपने आप को इसके गर्त के अंदर उतार लेते हैं, इसकी गंदगी के अंदर उतार लेते हैं, वरना पॉलिटिक्स जैसी कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लोगों की सेवा करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलता बहुत है, अच्छा है। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं, हम माताजी के साथ में घर में रहते हैं यहाँ पर अभी। हाँ, माताजी ने हमें बहुत अच्छे से पाला है, बहुत बड़ा किया है, और आज भी माताजी से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। मेरी धर्मपत्नी हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया। उसके बाद बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और अपने अपने फील्ड के वो टॉपर भी हैं। तो मैं परमात्मा की बहुत अच्छी मेहर है। और एक मेरा छोटा भाई है जो हमारे परिवार को चलाने में हमें बहुत अच्छा सहयोग करता है, क्योंकि मैं जब से 2011 से अन्न आंदोलन के अंदर आया था तब से मैंने घर का काम नहीं किया, टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लेकिन वो मेरा भाई है जो मेरे घर की देखरेख भी करता है, घर के
हर सामान को लेकर आने में, बच्चों को साथ में आना जाना कहीं पर भी है तो वो मेरा भाई मुख्य भी करता है। सर पिक्चरें देखते हैं आप, मूवीज? मूवी कभी कबार, कोई बहुत ज्यादा नहीं। कंगना रनौत का नाम तो सुना होगा आपने। हर काय को मतलब देखिए, वो एक्ट्रेस एक बहुत अच्छी है, हाँ जी। इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन वो बहुत बड़बोली है। बिल फाड़ दिया सर आप लोगों ने विधानसभा में। बिल आगे भी कोई भी काला कानून आएगा तो कम से कम, हाँ जी, मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। फाड़ी दिया आपने तो तीनों को भी फाड़ दी। बिल्कुल, क्योंकि देश के किसान आज आपके दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हैं, इस ठिठुरती ठंड के अंदर वो बैठे हैं। उन किसानों ने क्या मांगा था? उन किसानों ने एक ही बात मांगी है ना भैया, हमें MSP चाहिए, ठीक है, जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाह रहे हैं इसके ऊपर आप पुनर्विचार करें, कुछ चंद घरानों के अंदर हम लोगों को बेचने का प्रयास ना करें। तो यदि आप उनको MSP भी नहीं देते और ऐसी शर्तें आप लागू करेंगे कि इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो कम से कम मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो 2014 से 20 तक 6 साल हुए हैं और आप दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ MLA हैं, कैसे हुआ है सर ये? क्या कुछ मतलब 2-3 काम ऐसे बताइए आप जो अलग थे, क्योंकि ऐसा तो पक्का है कि कुछ तो अलग हुआ है तभी ये। देखिए, आप लोगों से मिलते रहे, हाँ जी, अपने जीवन के अंदर आप अपने व्यवहार को सामान्य तौर पर रखें, किसी भी छोटे के लिए बड़े के लिए आप अलग से कोई व्यवहार करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी के अंदर अलग होगा। मेरा शुरू से एक ही रहा है कि मेरे साथ में कहीं पर कोई छोटा व्यक्ति मिलता रहा, बड़ा व्यक्ति मिलता रहा, अमीर मिलता रहा, गरीब मिलता रहा, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति मिलता रहा तो सभी के लिए मेरा एक सामान्य व्यवहार रहा। अमीर आपने सर बोला, मुझे पता चला है अकाउंट में बैंक बैलेंस आपका भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, मैं बिजनेसमैन रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बैलेंस तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि किसी के आगे हाथ फैलाकर रोटी खाने के लिए हो, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, लेकिन प्रभु की बहुत अच्छी कृपा है, ईश्वर बड़ा है। लेकिन फिर भी कोई फर्क नजर आ रहा है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी में और अभी देश में मोदी जी हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी में और अभी के नेतृत्व में थोड़ा अंतर है। अंतर है यहाँ पर थोड़ा अहंकार है और वहाँ पर झुकना जानते थे वो। वो एक ही बात कहते थे कि हर आदमी तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए जिनके वो अधिकारी हैं, और यदि कोई भी उन्होंने अपनी तरफ से अपने संसद के अंदर कोई पास भी कर लिया तो उन्होंने अहंकार नहीं किया, उसके अंदर कहीं पर भी उनको संशोधन करना पड़ा या बिल को वापस लेना पड़ा तो उन्होंने ये काम किया। चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको ना तो पहले इस बात के लिए कभी भी महसूस हुआ कि हमने किसको चुना है, क्योंकि पानी आपके लिए लेकर आया, आपके लिए सीवर लाइन का काम करवाया और जगह जगह पे ट्रांसफार्मर रखवाया, आज हर घर तक वो बिजली मिल रही है जो एक मिनट के लिए भी पलक नहीं झपकाती। कहीं पर कोई मेजर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसके लिए तो एक बार थोड़ा कट करना पड़ता है, अदरवाइज वो होते हैं। और मेरे क्षेत्र के अंदर 2 एक्सीलेंस स्कूल खुलवाए हैं, 5 स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाई है, 3 स्कूल की बिल्डिंग अभी नई बनने लग रही है। तो मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। 60 साल के अंदर 1 मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर बना है तो वो मेरे क्षेत्र के अंदर बना है। शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज जो आज विश्वविख्यात है वो मेरे क्षेत्र के अंदर उसका बना है, और जितनी भी PWD की रोड है वो सभी की सभी फिर से उनका पुनर्निर्माण करवाया है, और जितनी भी मेरे क्षेत्र की चाहे छोटी गली है या बड़ी गली है उनको भी बनवाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और आने वाले 1 साल के अंदर वो भी सारी की सारी बनकर तैयार हो, पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल्ली के नंबर 1 MLA थे, इनके पास आने की एक खास वजह थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि एक तो जब मैं स्टूडेंट था तो ये साहब आया करते थे और कविताएं सुनाया करते थे तो मैं लुभान्वित हुआ। दूसरा ये कारण था कि अब MCD चुनाव जब आ रहे हैं तो दिल्ली का जो सर्वश्रेष्ठ विधानसभा से निर्वाचित व्यक्ति है महेंद्र गोयल जी, उनसे जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या ऐसा काम किया है उन्होंने कि वो दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। बाकी इनका रूटीन हमने जाना, ऑफिस कितने बजे जाते हैं सर आप? ऑफिस में 10 बजे जाता हूँ। 10 बजे जाते हैं और वहाँ से वापस का कोई टाइम नहीं है, जैसे जैसे जनता का जो भी काम होता रहता है उसके लिए करते रहते हैं, और मेरे
ऑफिस के ऊपर 8 लड़के काम कर रहे हैं, जो जनता का कोई भी आने वाला व्यक्ति होता है तो वो जल्दी से जल्दी उनका काम हो जाए। और भी ज्यादा हो जाए। चलिए, तो ये मोहिंदर गोयल जी थे, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।